नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूँ आपके साथ चेतना मनकोटिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में JNK अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक का विमोचन किया। यहां JDA मैदान में अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने पटना में आयोजित विपक्ष की बैठक पर निशाना साधा और कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी जी को चुनौती देंगे। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते हैं, और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इसी के साथ वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर कहा कि ये युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का युग है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आतंकवाद का भी उल्लेख किया और कहा कि ये आज भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जब विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दे रहे हैं। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा कि मुख्यमंत्री पटना में बारात सजा रहे हैं लेकिन दूल्हा कौन होगा। उन्होंने कहा कि बारात कहीं दूल्हे के बिना होगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सभी पार्टी अपना एजेंडा चला रही है, स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का 2 कारणों से जमावड़ा है, एक नरेंद्र मोदी का विरोध और दूसरा अपनी कुर्सी बचाना। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये घोषित कर दिया कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेले हराने में नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। स्मृति ईरानी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष गया भी तो कहां गया, जो लोग एक पुल नहीं बना पाए वो लोकतंत्र का ब्रिज क्या खाक बना पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आमने सामने बैठक हुई। बैठक के बाद उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की भी घोषणा की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का फैसला किया है। इसमें नासा व इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर सशस्त्र ड्रोन की खरीद पर एक मेगा सौदे की घोषणा की और अमेरिका और भारत के बीच जेट इंजन के सह उत्पादन पर भी समझौता हुआ है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच गुजरात में सेमीकंडक्टर का संयंत्र स्थापित करने पर भी करार हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। वहीं भारत लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिएटल में एक मिशन स्थापित करेगा, इसकी भी घोषणा की गई है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज ओडिशा के कालाहांडी में रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधा और साथ ही साथ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। JP नड्डा ने कहा कि आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य तय किया है कि अब हम विकासशील देश नहीं कहलाएंगे बल्कि हम विकसित राष्ट्र कहलाएंगे और विकसित राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, तो कांग्रेस नेताओं के पेट में मरोड़ मचती है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेसी मोदी जी के लिए सांप, बिच्छू, नीच, अनपढ़, चाय वाला जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन कांग्रेसियों को मालूम नहीं है कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना को बड़ी सफलता मिली है। एक संयुक्त अभियान में सेना और पुलिस ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से हमारी सीमा में
घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि कुपवाड़ा में माछल सेक्टर के काला जंगल में कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जब रुकने का इशारा किया तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग कर चार आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इसके साथ ही आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज पार्टी ने मुंबई में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगस्त महीने में बाजार में इथेनॉल से चलने वाली कार आ जाएगी, साथ ही बाजार में बाइक भी चलने लगेगी। नितिन गडकरी ने बताया कि टोयोटा कंपनी इन गाड़ियों को लॉन्च कर रही है। ये गाड़ियां 100% बायो इथेनॉल से चलेंगी और पेट्रोल से इथेनॉल ईंधन काफी सस्ता पड़ेगा और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। देश में पिछले 9 वर्षों में तेंदुओं की संख्या में 81% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये जानकारी दी है। भूपेंद्र यादव ने बताया कि इनकी संख्या 7090 से बढ़कर 12852 हो गई है। इसके अलावा एक सींग वाले गैंडों की संख्या भी 2600 से बढ़कर 3000 हो गई है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। इनकी संख्या 2226 से 3167 हो गई है। गुजरात के गिर में संरक्षित बब्बर शेर की भी संख्या 523 से बढ़कर 674 हो गई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के रहने के लिए पर्याप्त जगह है, उन्हें कहीं और स्थानांतरित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। देश का पहला मानव अंतरिक्ष अबॉर्ट मिशन इस वर्ष अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने परीक्षण वाहन नाम से एक नया रॉकेट बनवाया है जो श्रीहरिकोटा में तैयार है। क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम के संयोजन की अभी तैयारी हो रही है। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इसका पहला मिशन मानव रहित होगा, दूसरे मिशन में एक रोबोट को भेजा जाएगा और आखिरी मिशन में अंतरिक्ष में 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। इसरो प्रमुख ने बताया कि दूसरा मिशन अगले साल यानी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यदि इसमें हम कामयाब हुए तो इतिहास बन जाएगा। एक विधान एक प्रधान का नारा देने वाले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए देश की अखंडता और एकता से बढ़कर कुछ नहीं था। जम्मू कश्मीर में एक निशान एक विधान एक प्रधान के लिए उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। राष्ट्र कल्याण से लेकर शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए उनके विचार सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मां भारती के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बंगाल में जब से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, इसके बाद से ही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के डाब ग्राम इलाके में स्थित बीजेपी दफ्तर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी, जिससे कार्यालय में रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गया। जिसे लेकर पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक ममता बनर्जी सत्ता में है। टीएमसी या ममता को वोट न देना ही इसका एकमात्र उपाय है। ईडी ने केरल में हवाला ऑपरेटर्स और अवैध विदेशी मुद्रा डीलर्स के नेटवर्क के खिलाफ प्रदेश में 14 स्थानों पर छापे मारे। ईडी ने ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत की है। ईडी के एक आधिकारिक बयान के अनुसार सुरेश फॉरेक्स, एटो मनूर फॉरेक्स, दुबई फॉरेक्स, संगीता फॉरेन एक्सचेंज जैसी कई विदेशी कंपनियों और उनके प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के यहां छापे में 15 से अधिक देशों की करीब 1.50 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्राएं जब्त की गई। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान अवैध विदेशी मुद्रा विनियम से उत्पन्न करीब 1.40 करोड़ रुपए की बड़ी राशि भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश की आय व्यय और $1 trillion इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए यूपी फॉर यूपी, यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर ग्लोबल की परिकल्पना की है। उन्होंने कहा है कि अब समय उत्तर प्रदेश का है, अपने पोटेंशियल का पूरा लाभ उठाते हुए प्रदेश देश के बहुआयामी विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ सबका साथ सबका विकास नीति का मानक बनेगा। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख राज्य असम इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है। राज्य सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार आज बाढ़ की स्थिति बिगड़ने के कारण 22 जिलों में लगभग 4.96 लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASTMA के अनुसार बाढ़ प्रभावित जिलों में 14,091.9 हेक्टेयर कृषि जमीन बाढ़ में डूब गई है। तो वहीं असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार लगातार बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। राज्य की ओर से 11 बाढ़ प्रभावित जिलों में 83 राहत शिविरों और 79 राहत वितरण केंद्रों की स्थापना की गई है। देश में 61 छावनियों का नगर निकायों में विलय करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। ये कमेटी छावनी क्षेत्रों के विलय को लेकर कार्य करेगी। इसी के साथ रक्षा मंत्रालय को भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। डायरेक्टर जनरल कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार देश के 61 छावनी क्षेत्रों का पंचायती राज या स्थानीय नगर निकायों में विलय किया जाना है। इसके लिए राज्य से रक्षा मंत्रालय के पास संबंधित दस्तावेज भी पहुंचा है। इसके बाद पहले चरण में 23 छावनियों का चयन किया गया है। 7 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 महीने में रक्षा मंत्रालय को सौंपेंगी। स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने और गरीब वर्ग तक इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इसी को लेकर अब केंद्र की आयुष्मान भारत योजना और महाराष्ट्र सरकार की ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना को एक साथ लाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने जानकारी दी। मनसुख मांडविया ने बताया कि दोनों योजनाओं को एक साथ ब्रांड करके महाराष्ट्र राज्य में लागू कर प्रदेश में 12 करोड़ लोगों का एक संयुक्त कार्ड बनाकर 5 लाख की स्वास्थ्य सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए BCCI ने भारत की टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वहीं अजिंक्य रहाणे को क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन और उमरान मलिक के भी वनडे टीम में वापसी हुई है। बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और तेज गेंदबाज उमेश यादव को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग जल्द ही भारत में बड़ा निवेश करने वाली है। इस निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और पायलट ट्रेनिंग का काम किया जाएगा। साथ ही देश की एविएशन इंडस्ट्री को भी रफ्तार मिलने में मदद मिलेगी। बोइंग भारत में $100 मिलियन यानी 8,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। बोइंग ने इतने बड़े अमाउंट में निवेश करने की घोषणा इसलिए की है क्योंकि भारत में स्किल्ड पायलट्स की मांग लगातार और तेजी से बढ़ रही है और अगले 20 वर्षों में देश को करीब 31,000 नए पायलट्स की जरूरत होगी और बोइंग इस डिमांड को पूरा करने में मुख्य रोल निभा सकता है।